स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं बर्मिंगम फेनेक्स वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स द 100 मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा एजबेस्टन बर्मिंगम पे। मैच टाइमिंग रात के 11 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 10 अगस्त को बर्मिंगम फिनिक्स वर्सेस सदर्न ब्रेव के बीच में द 100 का मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको ध्यान देना है जो पिच यहाँ पे रहने वाली है ये दोस्तों यूज्ड पिच रहेगी। मैं कैसा कह सकता हूँ, यहाँ पे पहले शाम को 7:30 बजे बर्मिंगम फिनिक्स वुमन वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में मैच खेला जाएगा। उसके जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पे लड़कों का मैच होगा। तो आप समझ सकते हो लगभग यहाँ पे 200 बॉल पहले खेली जा चुकी रहेगी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैच होना है। तो आप समझ सकते हो पिच के ऊपर हल्का सा वेयर एंड टीयर होगा, प्लेयर्स होंगे दोस्तों उनके फुटमार्क के यहाँ पे निशान आएंगे पिच के अंदर जब वो भागेंगे गेंदबाजी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा स्पिनर्स को टर्न देखने को मिल सकता है। और ये वेन्यू दोस्तों कौन सा, एजबेस्टन बर्मिंगम, होम ग्राउंड कौन सी टीम का, बर्मिंगम फिनिक्स का। आप नाम से समझ सकते हो दोनों के अंदर बर्मिंगम बर्मिंगम आ रहा है। मेरे पास दोस्तों कुछ फोटोज़ हैं जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में मदद करेगी, आपको दिखाना चाहूँगा। या आप दोस्तों लेटेस्ट फोटो देख सकते हो जब यहाँ पे 10 अगस्त को मैच हुआ था, जब यहाँ पे मैच हुआ था बर्मिंगम फिनिक्स वर्सेस सदर्न ब्रेव के बीच में, तब की दोस्तों पिच की फोटो आप देख सकते हो। लास्ट टाइम जब मैच हुआ था 100 का, अच्छी पिच है, रन्स बनते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये पिच के अंदर हल्का सा आपको टर्न देखने को मिल सकता है, बॉल ग्रिप कर सकती है जो कट्टर बॉलर्स हैं उनकी। रीज़न क्या है, रीज़न दोस्तों ये है कि यहाँ पर बहुत सारे मैचेस हुए हैं, कॉमनवेल्थ के 16 मैचेस हुए हैं, फिर दोस्तों यहाँ पर रॉयल इंडिया पर एक दो मैच हुआ है। तो आप समझ सकते हो पिच के अंदर हल्का सा यहाँ पर वेयर एंड टीयर हुआ रहेगा। तो आप पिच को देख सकते हो, ऐसे दोस्तों पिच दिखती है यहाँ पर। ये तो थोड़ी सी फ्रेश पिच है, ये दोस्तों यूज्ड पिच है, दिख रहा आपको ये वाली सबसे लेटेस्ट फोटो ये वाली। बाउंड्री डायमेंशन की बात करते हैं तो जब यहाँ पे मेंस के मैचेस होते हैं तो सामने की बाउंड्री यहाँ पे 77 मीटर होती है, अच्छी खासी बाउंड्रीज है। तो स्क्वायर बाउंड्रीज है 64 मीटर होती है अगर सेंट्रल पिच से मैच खेला जाता है। तो स्टेडियम को भी देखना, ऐसा दोस्तों स्टेडियम दिखता है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है एजबेस्टन बर्मिंगम का। चलते हैं यहाँ पे स्टैट्स की तरफ। तो इस वेन्यू के ऊपर देखो क्या हुआ है, जो टीम है बर्मिंगम का दोस्तों रिकॉर्ड 100% यहाँ पे बर्मिंगम फिनिक्स का। अपने गढ़ के ऊपर भाई साहब हर मैच जीतते हैं, 5 में से 5 मैच जीतते हैं। ट्रेंट रॉकेट्स यहाँ पे एक मैच खेली, वो मैच हारी थी। अब देखो जो टीम इस वेन्यू के ऊपर बैट फर्स्ट करी है 5 मैच जीती है, जो टीम चेस करी है 1 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 6 गेम। सिंपल फॉर्मूला है, इस वेन्यू के ऊपर टॉस जीतो आप क्या करो, बैट फर्स्ट करो। औसतन स्कोर 140-160 आपको बनता हुआ दिखेगा। आप देखो लास्ट 6 मैचेस में यहाँ पे किस तरह से उसमें विकेट्स गिरते हैं, पेसर क्या करता है, स्पिनर क्या करता है। तब देखो लास्ट 6 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 63 विकेट्स निकाला है, पहली पारी में 24 है, दूसरी पारी के अंदर 39 है। राइट आर्म पेसर का 56 विकेट से लेफ्ट आर्म पेसर का 7 विकेट। तो आप क्लियरली देख सकते हो पहली पारी से कंपेयर करते हैं दूसरी पारी को, तो यहाँ पे दूसरी पारी के अंदर जो अपने पेसर है उन्होंने 15 विकेट ज़्यादा निकाले हैं। स्पिनर की बात कर लें, लास्ट 6 मैच के अंदर स्पिनर्स का 20 विकेट है, पहली पारी में 13 है, दूसरी पारी के अंदर 7 है। ऑफ स्पिनर्स का 1 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 10 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 1 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 8 विकेट है। जो लास्ट मैच खेला गया था अभी हाल ही में हुआ था 10 अगस्त को सदर्न ब्रेव वर्सेज बर्मिंगम फिनिक्स का, 5 दिन पहले की बात है। उस मैच में 13 विकेट पेसर के थे और वहाँ पे 1 विकेट स्पिनर का था। वेदर फोकस क्लाउडी है, बारिश आ सकती है, थंडरस्टॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे गूगल के ऊपर। तो आप खुद देखो ये मैच वहाँ पे 6 बजे स्टार्ट होगा, अपने यहाँ पे तो रात के 11 बजे रहेंगे, आपको बताइए। तब देखो वहाँ पे कैसा माहौल है, शावर्स है और मेरे हिसाब से दोस्तों मैच छोटा भी हो सकता है चाहे तो, फिर क्या बता, पर देखते हैं किस तरह से चीज़ें चलती हैं। क्योंकि यार वेदर फोकास्ट अपने हाथ में होती नहीं है, कभी बारिश आती है कभी चली जाती है। जो रूट दोस्तों नेशनल ड्यूटी के ऊपर जा चुके हैं, राशिद खान नेशनल ड्यूटी के ऊपर है, दोनों टीम से आपस में 3 मैच खेला हुआ है। और यहाँ पे बर्मिंगम फिनिक्स 2 बार जीती है, ट्रेंट रॉकेट्स 1 बार जीती है। हाल ही के अंदर दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 6 अगस्त को खेला था लास्ट टाइम, अभी हाल ही के अंदर दोनों टीम्स ने 1 मैच खेल रखा है, ये इनका दूसरा मैच है इस साल टूर्नामेंट के अंदर। तो देखो बर्मिंगम फिनिक्स इस साल क्या करिए, लॉस 1-1। विल समिथ यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन करते हैं क्रिस बेंजामिन के साथ, मोइन अली आते हैं, लिविंगस्टन आते हैं, मैथ्यू वेड, मेल सैमन, बैनी हॉवल, केन चेसन, हेनरी ब्रुक्स, टॉम एलन, इमरान तैरा को देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेंट रॉकेट्स हैं ये भी अपने लगातार 3 मैचेस जीत के आ रही हैं, इनका टॉप ऑर्डर कुछ अलग ही लेवल का है। एलेक्स सेल्स, कॉलेज डेविड मलान, दोनों में से हर मैच में कोई ना कोई चल ही रहा है। अगर ये दोनों दोस्तों फ्लॉप होते हैं तो देखते हैं इस टीम में कितना दम है मिडिल ऑर्डर के अंदर। एलेक्स सेल्स डेविड मलान ओपन करेंगे, कॉलिन मनरो वन डाउन, या तो फिर टॉम कलर कैडमोर आजकल वन डाउन आ रहे हैं, यान कॉकबेन है, लुइस ग्रिगोरी, समित पटेल, डैनियल सैम्स, तबरेज शम्स, लिक्विड लिक फ्लेक्चर।
चलते हैं दोस्तों हम किसकी तरफ, लास्ट मैच के स्कोर कार्ड की तरफ। लास्ट मैच में किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया था? विल समिथ पहले मैच में 7, दूसरे मैच के अंदर 101 रन था 50 गेंदों में, तीसरे मैच के अंदर 0 रन था। क्रिस बेंजामिन के 4 रन है, 17 रन है, 18 रन है। मोइन अली की बात करते हैं तो उनका यहाँ पर कहाँ गए मोइन अली, यहाँ पे देखो मोइन अली का यहाँ पर 35 रन पहले मैच में 21 गेंदों में और एक विकेट निकाला, 15 गेंद डाल के 22 रन देके। और दूसरे मैच के अंदर आते हैं यहाँ पे 17 रन बनाए, 10 गेंदों में 27 रन दिया। तीसरे मैच के अंदर भाई ने गेंदबाजी नहीं करी थी, इनके बदले लिविंगस्टन ने पूरी 20 बॉल डाली थी, 28 रन दिया था, 4 रन बनाए थे लास्ट मैच में, विकेटलेस गए थे। लिविंगस्टन ने फिर सेकंड लास्ट मैच में 21 करा था और फर्स्ट मैच के अंदर 47 करा था जो थर्ड लास्ट मैच था। मैथ्यू वेड 10 रन 38 रन लास्ट मैच में, बहुत अच्छी पारी थी इनकी, ये हेल्प करी थी इस टीम को बहुत ज़्यादा। माइल्स सिमन का 28 रन प्लस 1 रन प्लस 17 रन है अभी तक। और बैनी हॉल का पहले मैच के अंदर 0 विकेट था, 19 रन दिया, सेकंड लास्ट मैच के अंदर 24 रन दिया, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने आई थिंक दोस्तों 12 रन दिया था और एक विकेट निकाला, बहुत अच्छा स्पेल था उनका लास्ट मैच का। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिर से मेंशन कर दिया, एक विकेट 12 रन दे के। केन रिचर्डसन की बात करते हैं, ये भाई साहब लास्ट मैच के हीरो रहे थे, प्लेयर ऑफ द मैच इनको मिला था पहले मैच के अंदर, भाई पिटाई भी सब कह रहे थे केन रिचर्डसन ही है या नहीं है। पहले मैच में 15 गेंदों के अंदर 24 रन दिया, विकेट लेस गए। सेकंड लास्ट मैच में आते हैं दोस्तों 19 रन देते हैं और 3 विकेट निकाला, लास्ट मैच के अंदर आए 15 रन दिया। जो लास्ट ओवर था डेविड मिलर को, भाई साहब क्या उनका स्पेल था वो 5 बॉल का, देखने लायक था किसी भी प्लेयर के लिए जो बॉलर है दोस्तों हाई लेवल के ऊपर खेलना चाहता है। तो ऐसे प्लेयर से दोस्तों सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, किस तरह से वेरिएशन किया। जब वो सोच रहे थे वेरिएशन आएगा तो पेस डाल रहे थे, जब उनको लग रहा था वेरिएशन आएगा तो वही है, जब लग रहा था उनको पेस आएगा तो वेरिएशन कर रहे थे। तो बहुत अच्छा स्किल था इनके पास और इनको हाथ से हिट नहीं कर पा रहे थे, इनका जो आर्म स्पीड है ना सेम रहता है स्लोअर बॉल पे भी और फास्ट बॉल पे भी। मेरा दोस्तों क्या था जो अपनी स्लोअर बॉल होती है ना उसमें मेरा आर्म स्पीड थोड़ा सा डाउन हो जाता है। हेनरी ब्रुक्स की बात करते हैं, पहले मैच के अंदर 5 विकेट था, लास्ट मैच के अंदर 15 बॉल में 23 रन दिया, विकेट लेस गए। लास्ट मैच में इतना ख़राब स्पेल नहीं था। टॉम हेलम की बात करते हैं, इनका दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा टूर्नामेंट के अंदर, मतलब ऐसा फेस आता है ये एक मैच को दो फेस में खेलते हैं, एक टाइम पे ऐसी मजाक करते हैं अपना एकदम नॉर्मल बॉलिंग करते हैं, जब दोस्तों जहाँ पे सीरियस होना रहता है लास्ट स्टेज पे विकेट्स निकाल के जाते हैं मैच जिता के देते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, 12 गेंद डाली पहले मैच में, 11 रन दिया, 2 विकेट निकाले, दोनों विकेट्स कब निकाले डेथ ओवर के अंदर निकाले, जब लास्ट इनकी 2-3 बॉल बच रही थी तब मैच खत्म होने वाला था तब। फिर यहाँ पे आते हैं सेकेंड लास्ट मैच में 10 गेंदों में 8 रन दिया, एक विकेट निकाला, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला 35 रन देके, विद द बैट एक छक्का भी मारा था, बहुत अच्छा शॉट था वो उनका। इमरान ताहिर वही, अब तो और घटते ही जा रहे हैं, पहले मैच में 15 बॉल डाली, फिर 10 बॉल डाली, फिर 5 बॉल डाली, इस मैच में पता नहीं कितनी बॉल देंगे। स्टार्टिंग और टॉम हेलम, मोइन अली, केन रिचर्डसन, डेथ ओवर के अंदर आएंगे टॉम हेलम, केन रिचर्डसन, बैनी हॉवेल। बात करते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की, एलेक्स हेल्स ने पहले मैच में 58 करा, 43 करा, फिर 38 करा, मलान ने पहले मैच में 8 करा, उसके बाद वही ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 88 नॉट आउट 49 गेंदों में, 98 नॉट आउट 44 बॉल्स के अंदर। कॉलिन मंड्रो पहले मैच में 36, दूसरे में 15, लास्ट मैच में बैट नहीं करा। टॉम कॉलर कैडवॉल पहले मैच में 0, 1 रन, 30 रन है। यान कॉकबेन का 20 नाबाद था, इनको मैच टाइम दिया था लास्ट मैच के अंदर कि कॉलिन मंड्रो के ऊपर जाओ आप, क्योंकि मैच एकदम पहले से पूरा सेट है, तो फिर इनको मौका मिला था लास्ट मैच के अंदर कि आप रन बनाओ जाकर टॉप ऑर्डर में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। लेस ग्रेगोरी पहले मैच में 10 बॉल डाली, 8 रन देके विकेट निकाला, लास्ट मैच में 10 बॉल में 17 रन दिया, और जो प्रॉपर लास्ट मैच था उसमें 10 गेंदों में 21 रन देके एक भी विकेट नहीं निकाला। डैनियल जेम्स की बात करते हैं, उससे पहले सैम पटेल की भी कर लेते हैं, 15 गेंद में पहले मैच में 12 रन दिया, 2 विकेट निकाले, सेकंड लास्ट मैच में 28 रन दिया, 20 गेंदों में एक विकेट निकाला, लास्ट मैच के अंदर 20 गेंदों में 20 रन देकर 2 विकेट निकाला। एक्सपीरियंस कैंपेनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, हवा देता है भाई साहब बॉल को और विकेट टू विकेट डाल रहे हैं। डैनियल सैम्स 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट लास्ट मैच में। लुकवुड 0-2-0, लुक फ्रैक्चर का 2 विकेट है, 0 विकेट है। शमशी का पहले मैच में 0 विकेट था, 22 रन देके, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट था, 45 रन देके। स्टप्स ने भाई साहब 38 चल दिया, 4 बॉल 4 छक्के मारे, जो लास्ट बॉल ऑफ द स्पेल था 5 विकेट पे विकेट निकाल दिया था। स्टार्टिंग ओवर्स डालेंगे लुकवुड, डैनियल सैम, सुमित पटेल, ग्रिगोरी, डेथ के अंदर डैनियल सैम, लुकवुड, शमशी। बात करते हैं यहाँ पे किसकी वैन स्टैट्स की, जब भी स्वेनी के ऊपर मैच हुआ तो किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया। क्रिस बेंजामिन ने स्वेनी के ऊपर 13 मैच खेल चुके हैं, 42 की औसत है और 300 रन इनका वैसे ही होम ग्राउंड है ये, मैं कैसे कह सकता हूँ, कह मैं ऐसे सकता हूँ क्योंकि ये खेलते हैं वॉर्विक शहर के लिए। विल समीर बर्मिंगम बियर के लिए, जिसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं, डोमेस्टिक विटालिटी T20 ब्लास्ट की टीम है। विल समीथ का यहाँ पे 6 मैचों में 57 की औसत है, 305 रन है। ये वैन्यू दोस्तों को बहुत ज़्यादा रास आता है, बैट फर्स्ट 65, नाबाद 101 है, चेस के ऊपर 45, 43, 36, 15। लिविंगस्टन
14 मैचों में 207 रन है, बैट रेट 31-22, 12-9, 0-21 है, चीज के ऊपर 30-23 नाबाद, 19-15, 10-8 नाबाद 7 है, 3 विकेट्स भी हैं। मोइनगा 19 मैचेस के अंदर 38 की औसत है, 634 रन है, 17 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लेस गए हैं, 10 times 30+ स्कोर्स 19 मैच खेल के। मैथ्यू विड का 10 रन बैट फर्स्ट है, माइल्स सिमंस का 7 मैच में 59 रन है, बेनी ओवल का 7 मैचों में 8 विकेट है, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 4 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैचों में 4 विकेट, 1 मैच के अंदर विकेट लेस गए हैं। ग्रेंट वैन बोरेन 2 मैचेस के अंदर 0 विकेट 1 विकेट है, केन रिचर्डसन 0 विकेट बॉल फर्स्ट 3 विकेट बॉल सेकंड है, टॉम एलन का 5 मैच में 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 3, बॉल सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लेस गए हैं टॉम एलन। इमरान ताहिर का 18 मैच में 15 विकेट है, 10 मैच के अंदर विकेट लेस गए हैं। हेनरी ब्रुक्स 18 मैचों के अंदर 25 विकेट है, 3 मैच के अंदर चार मैच के अंदर विकेट लग गए। ये चलते हैं यहाँ पे ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ। एलेक्स हिल्स का यहाँ पे 17 मैचों के अंदर 338 रन है, 20 की औसत है, 6 times 30+ स्कोर्स हैं, 4 बार पहली पारी में है, तो ये 17 मैच से यहाँ पे 6 बार ही हल है, ये इनका थोड़ा सा रेशियो डाउन है। ड्यूड मलान का 4 मैच के अंदर 141 रन है, बैट फर्स्ट 51-33, इसके ऊपर 38 नाबाद 19। कॉलिन मनरो का 2 मैच के अंदर यहाँ पे 43 रन है, 34 इसके ऊपर 9 बैट फर्स्ट में। टॉम करियर के एडमोर 7 मैचों के अंदर 49 की औसत है, 247 रन से पर तगड़ी धुलाई करी है भाई ने, बैट फर्स्ट 94 नॉट आउट, 67-51, 7 चेस के ऊपर 21-8 है। सुमित पटेल 17 मैच में 13 विकेट है और 8 मैच के अंदर विकेट लस गए हैं, 342 रन है। डैनियल सिम्स यहाँ पे नहीं खेले, ग्रिगोरी का पे 7 मैच के अंदर 52 रन है और ये 2 विकेट्स निकाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड की, 10 मैचेस के अंदर 6 विकेट है, 7 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। फिर यहाँ पे मैथ्यू कार्टर ने क्या करा लिक्विड के बाद, इनका दोस्त यहाँ पर मैथ्यू कार्टर का 7 मैच में 8 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। समशी का 2 विकेट बॉल फर्स्ट, 1 विकेट बॉल सेकंड है। सैम कुक का 1 मैच में 0 विकेट है। सैम कुक दूसरे मैच में खेल सकते हैं, थोड़ा लिक फ्लेटचर हाई चांसेस मेरे को लग रहा है क्योंकि सैम कुक के पास स्किल्स है। एम कुकोबेन का 4 मैच में 141 रन है, बैट फर्स्ट 84 नॉट आउट, 25-0 चेस के ऊपर 32 है। मुलानी का 15 मैच में 10 विकेट है। चलते हैं लुक फ्लेटचर 7 मैचों में 6 विकेट, 4 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। हेड टू हेड की तरफ चलते हैं, एलेक्स हिल्स ने यहाँ पे 3 मैचेस के अंदर 109 रन डाला हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट बर्मिंगम फिनिक्स। मलान का 3 मैच में 59 रन है, मनरो का 2 मैच में 43, यान कॉकबर्न का 1 मैच में 32, समित पटेल का 3 मैचों में 4 विकेट 47 रन है, टॉम कलर कैडमोर मतलब टीकेसी 0 रन है, डैनियल सिम्स का 1 मैच में 3 विकेट है, ग्रिगोरी का 3 मैचों में 33 रन 1 विकेट है, खान साहब का हेड कोच के अंदर 3 में 3 विकेट है, लेकुड का 2 मैच में 0, सैम कुक का 1 मैच में 2 विकेट है, मैथ्यू कॉटर का 3 मैचों में 1 विकेट है, शमशी का 1 मैच में 1 विकेट हेड कोच के अंदर। चलते हैं बर्मिंगम फिनिक्स की तरफ, विल समिथ का यहाँ पर हेड कोच के अंदर अगेंस्ट ट्रेंट रॉकेट्स 3 मैचों में 71 रन है, विल लेवन लिवेंगस्टन का 3 मैच में 1 विकेट 120 रन है, वोनेली का 2 मैचों में 61 रन 2 विकेट है, बेन मॉसली का 2 रन, क्रिस बेंजामिन का 3 मैच में 20 रन है, बेनी ऑल का 3 मैचों में 2 विकेट 23 रन है, टॉम एलन का 3 मैच में 4, इमरान ताहिर का 3 मैच में 2, केन रिचर्डसन का 1 मैच में 0 विकेट है, माइल्स सिमंस का 2 मैच में 42 रन है। मैचअप्स की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देखो एलेक्स हिल्स का किसके सामने स्ट्रगल है, एलेक्स हिल्स फर्स्ट है यहाँ पे, लिवेंगस्टन के सामने 18 गेम 33 रन 2 बार आउट किया है, मोइन अली ने 45 गेम के अंदर 47 रन देकर 4 बार आउट किया है एलेक्स हिल्स को, और इस बार भी दोस्तों आपको शायद एलेक्स जो अपने मोइन अली को गेंदबाजी करते देख सकते हैं पावर प्ले में, जब लास्ट टाइम दोनों टीम्स ने खेला था तो मोइन अली गेंदबाजी भी कर रहे थे और पावर प्ले में गेंदबाजी भी करी थी और डेविड मलान को बोल्ड भी किया था। देखो आप 10 गेंद 14 रन 1 बार आउट किया है डेविड मलान को मोइन अली ने, लिवेंगस्टन ने 9 गेंदों में 11 रन देकर 1 बार आउट किया है। चलते हैं यहाँ पे कॉलिन मनरो की तरफ, इनका मैचअप इमरान ताहिर के सामने थोड़ा सा है, 45 गेंद और 74 रन 2 बार आउट किया है दोनों बार पहली पारी में। कॉलिन मनरो मतलब डेविड मलान का है, कॉलिन मनरो की हम बात करते हैं, अब इनका स्ट्रगल है कॉलिन मनरो का एडम लेन के सामने, लेकिन एडम लेन अभी भी न्यूजीलैंड के अंदर है। इमरान ताहिर के सामने 5 बार आउट हुए हैं, वही सोचिए दोस्तों कॉलिन मनरो इमरान ताहिर के सामने 2 बार थोड़ी आउट हो सकता है, 5 बार आउट हुए कॉलिन मनरो, 74 गेंदों में 75 रन है 3 बार दूसरी पारी में। केन रिचर्डसन ने 15 गेंद में 19 रन देकर 2 बार आउट किया, दोनों बार पहली बार में आउट किया हुआ है। यान कॉकबर्न वर्सेस टॉम एलन 14 गेंद 10 रन 2 बार आउट किया हुआ है। समित पटेल वर्सेस मोइन अली 43 गेंद 55 रन 2 बार आउट किया है। टॉम वुड्स अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल है लेकिन इनको टीम खिलाएगी नहीं, जरूर अवेलेबल नहीं है। टॉम कलर कैडमोर का स्ट्रगल है टॉम एलन के सामने, 10 गेंद 27 रन 1 बार आउट हुए और भाई साहब आउट हुए इमरान ताहिर के सामने 30 गेंद में 31 रन बना के।
मैथ्यू वीड वर्सेस डैनियल सैम, 36 गेंद 64 रन, एक बार आउट है। विल समित का स्ट्रगल है यहाँ पर डैनियल सैम के सामने, 13 गेंद 22 रन, दो बार आउट किया। फिर से दोस्तों मैच बन रहा है इस मैच के अंदर, केवल समित फिर से हार्ड जाएंगे इनकी तरफ, इनके पीछे लगने की कोशिश करेंगे क्योंकि किसी बॉलर को देखते नहीं है कि डिफेंसिव खेलना है, ये मारने की कोशिश करेंगे और ये लेफ्ट आर्म पेसर के सामने हल्का सा फंस भी जाता है। लिवंगस्टन वर्सेज राशिद खान पर राशिद गंगोले मिली है। शमशी ने 3 बार चलता किया लिवंगस्टन को, 30 गेंदों में 21 रन देकर अच्छा मैचअप हो सकता है और 3 बार दूसरी पर ही आउट किया है। तो इस मैच में आप खुद सोचो शमशी कैन बी द ग्रेटेस्ट पिक वाई, क्योंकि वहाँ पर लिवंगस्टन है, मोइन अली है, मोइन अली का तो स्ट्रगल ही शमशी के सामने बैठता है। 32 गेंद 45 रन, 3 बार आउट किया और 3 बार दूसरी पारी में, और शमशी ने लिवंगस्टन को भी 3 बार दूसरी पारी में आउट किया। तो दूसरी पारी में तो वैसे ही टाइट दोस्तों और इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं फिर यहाँ पे क्रिस बेंजामिन वर्सेस डैनियल सैम, 4 गेंद 2 रन, 1 बार आउट किया। सैम कुक ने 3 गेंदों में 5 रन देकर 1 बार आउट किया। कॉमन कैप्टन लिवंगस्टन, मोइन अली, बड़ी टीम बनाओ डैनियल सैम, लिवंगस्टन, डेविड मलान, मोइन अली, अलग जाना, एलेक्सिस, टॉम कलर, केन वॉर्न, विल स्मिथ को रोटेट कर सकते हो। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, तो भाई साहब कैप्टन कौन है यहाँ पे? कैप्टन मेरे पास मोइन अली, वाइस कैप्टन यहाँ पे लिवंगस्टन है। पर ये दोस्तों इस मैच में मेरे को लग रहा है मोइन अली बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि सामने लेफ्टी भी है और लास्ट टाइम इन्होंने गेंदबाजी करी थी। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है, क्या दोस्तों वहाँ पे मोइन अली प्लान बना के आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें सारी प्लान रहती है कि मेरे को गेंदबाजी करनी है नहीं करनी है। मैं लिवंगस्टन को 10 ओवर दूंगा, मतलब 10 बॉल दूंगा, 20 बॉल दूंगा, 10 ओवर कहाँ से दे देंगे भाई, ओडीआई थोड़ी चल रहा है। TKC देखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, एलेक्स विल्स इंपॉर्टेंट है, मलान इंपॉर्टेंट है, विल समित दोस्तों कभी भी बड़ी पारी खेल के जा सकते हैं, बस इनके भी थ्रेट रहेगा डैनियल सैम्स का। उसके बाद शमशी भी इनको आसानी से निकाल सकते हैं विल समित को आखिर के अंदर। टॉम एलम है, केन रिचर्डसन है। आप देखो बड़ी लीग में करना है, आप चाहे तो विल समित के बल्ले बताऊँ किसको ले सकते हो, आप ले सकते हैं बैनी हवल को, जब कुछ ना कुछ पॉइंट लेने की कोशिश जरूर करेंगे। कीपिंग में 2 बहुत अच्छे ऑप्शन है, 3 वैसे ऑप्शन है। टॉम कलर कैडमोर है जो बहुत ही हाई क्लास प्लेयर है, और मैथ्यू वेड जो नीचे खेलते हैं, बस दिक्कत हुआ है। क्रिस बेंजामिन ओपन के रहता है लेकिन दूसरों कॉन्फिडेंस अभी तक दिखा नहीं है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। क्रिस बेंजामिन का भी बहुत बड़ा नाम है स्पेशली इस वेन्यू के ऊपर, इनका ग्राउंड है। एलेक्स विल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मलान इंपॉर्टेंट है, बस हेल्स का दोस्तों मैचअप बन रहा है मैंने आपसे जो कहा था। और यहाँ पे कितना 17 पारियों में 6 बार 30 प्लस स्कोर्स हैं, 11 बार 30 के नीचे स्कोर किया है। लिवंगस्टन दोस्तों अच्छे खिलाड़ी, इनका भी कुछ वनी पे कोई एकदम हाई स्कोरिंग रन्स नहीं बने, मतलब हर बार 30-20 रन करके गए हैं। विल समित दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं, स्वैनी पे अच्छे स्कोर्स हैं और बड़े प्लेयर हैं। कॉलम बनना दोस्तों 50-50 पिक रहेंगे, आप चाहे तो पिक कर सकते हो, या इनका इनको कभी भी नीचे भेज दिया जाता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर मलान खेलते रहते हैं ना तो क्या होता है, मलान खेलेंगे तो फिर ये लोग भेजेंगे टॉम कलर कैडमोर को जो राइट ही बैटर है, तो ये दो लेफ्टी हो जाएंगे क्रिस के ऊपर, तो ऑफ स्पिनर लगा देंगे मोइन अली, लिवंगस्टन इजिली आउट कर सकते हैं उनको। फिर वो डैनियल सैम्स इंपॉर्टेंट है, मोइन अली दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, सुमित पटेल इंपॉर्टेंट है, बैनी हॉल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट मैच में क्या स्पेल था, 20 गेंदों में 12 रन दिया मात्र। केन बाबा इंपॉर्टेंट है, हैंड बुक जो सबके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं टॉम एलन के साथ जा रहा हूँ, 20 बॉल वाले कैंपेनर है ये, 15 या 20 बॉल डालते हैं हैंड बुक्स भी सब बड़े। शमशी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लिक्विड बॉल फर्स्ट में ट्रेड कर सकते हो चाहे तो बॉल फर्स्ट में, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सबको दोस्तों आप सबको यहाँ पर किसकी सब शुभकामनाएं, आप भी जानते हो दोस्तों, भी जानता हूँ 75वें यहाँ पे स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूँ मैं आपसे। दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी दोस्तों अपने नेशन के लिए कुछ करें, ये नेशन दोस्तों आपको कितना कुछ देता है। अपन दोस्तों यहाँ पे चल रहे हैं इस धरती माता के ऊपर जो भारत की है, इसके लिए दोस्तों अपन कि ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देते नहीं लाइफ के अंदर, नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हैं दोस्तों, अपने अंदर खोए रहते हैं। फिर दोस्तों जब वो बुढ़ापा आता है तब जाके लोगों की आँख खुलती है। पूजा भी दोस्तों तभी करते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में भी तभी जाते हैं भाई जब उनकी एज हो जाती है, चाहे 50-60 साल, जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं रहता। बोला दोस्तों सारी चीज़ों का जो यूज़ है ना लाइफ के अंदर, अच्छे अच्छे मोरल्स, वो आपके 20 साल से लेके जो आपकी एज हो जाती है वहाँ से आप चाहे तो बचपन से स्टार्ट कर सकते हो ऐसी चीज़ें सब, ठीक है। तो टेक केयर लाइफ में दोस्तों कुछ बड़ा करें, थिंक बियॉन्ड व्हाट यू कैन अचीव, मतलब ठीक है, टेक केयर से सुन जाएंगे।